नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 25 दिसंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आज वीडियो को लाइक करने का टारगेट है हमारा 1000 लाइक, तो अभी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों को मास्क पहनना अनिवार्य, सोशल डिस्टेंसिंग की भी करनी होगी पालना। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बाद शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को कोरोना नियमों की पालना करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्कूलों में सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों का मास्क पहनना अनिवार्य किया है, साथ ही स्कूलों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखने को कहा गया है। ऐसे में अब कक्षा के कमरे में विद्यार्थियों को 6 गज की दूरी पर बिठाया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल परिसर में सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करने के आदेश भी दिए गए हैं। अब हर सुबह स्कूल गेट पर विद्यार्थियों की स्कैनिंग की जाएगी। बुखार होने पर स्कूल में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा, उसे साथ लगते स्वास्थ्य केंद्र में टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। इस दौरान विभाग ने स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए हैंड वॉश का भी प्रावधान करने को कहा गया है। हालांकि कई स्कूलों ने सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद ही स्कूल परिसर में ये व्यवस्था शुरू कर दी है। JYT पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी, आरोपी महिला के घर से विजिलेंस को मिले अहम सुराग। JYT के पेपर लीक मामले में विजिलेंस को कई नए सुराग हाथ लगे, इन पर कार्य आरंभ हो गया है। वहीं विजिलेंस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब आरोपियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, इनसे अलग अलग तरीके से भी पूछताछ की गई है। महिला से और कितने लोग संपर्क में थे इसके बारे में भी पुख्ता जानकारी एकत्रित की जा रही है। पेपर कहां कहां बेचा गया इस बारे में कुछ और बातों को वेरीफाई किया जा रहा है। जांच से पता चला कि पूरे मामले की किंग पिंग कर्मचारी चयन आयोग की वरिष्ठ अधीक्षक उमा जाद है, उसने ही प्रश्न पत्र लीक किया था। मूल प्रश्न पत्र फोटो कॉपी करवाया गया, इसकी कई प्रतियां निकाली गयी, किसी को शक न हो इस कारण मूल प्रश्न पत्र वहीं पर रखा गया जहां पर सीक्रेसी ब्रांच में रहता था। इसे कईयों तक आगे पहुंचाया गया है। प्रदेश में कितने अभ्यर्थियों तक पहुंचा है इसमें भी जांच की कड़ियां जोड़ी जा रही है। अब तक सामने आए तथ्य और सुरागों के आधार पर जांच और तेज होगी। वर्तमान सुख सरकार के लिए इस मामले को सुलझाना साख का सवाल बना हुआ है। सरकार इसमें और कड़ी कार्यवाही करना चाहेगी ताकि विश्वसनीयता बनी रहे। इसमें CM सुखविंदर सिंह सुख को पूरा फीडबैक ले रहे हैं। पेपर लीक मामले में विजिलेंस ने दिन भर सर्च रेड की। आरोपी महिला के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित घर में पूरी हलचल देखी गई। रेड के दौरान कई अहम दस्तावेज, 4 लाख की नकदी बरामद की है। ये कार्यवाही और आगे बढ़ेगी। शिक्षण संस्थानों को आधार बेस्ड बायोमेट्रिक हाजिर लगाने के निर्देश। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों के आधार बेस्ड बायोमेट्रिक हाजिर लगाने के निर्देश दिए है। जिन संस्थानों में मशीनें खराब है वहाँ इन मशीनों को ठीक करवाने को कहा गया है। इसके अलावा जहाँ मशीनें नहीं है वहाँ इन मशीनों की खरीद करने को कहा गया है। विभाग की माने तो अभी भी कई स्कूलों और डिग्री कॉलेजों में रजिस्टर पर ही हाजिरी लगाई जा रही है जो माने नहीं होगी। आज शिमला लौटेंगे सुख, उच्च अधिकारियों से लेंगे कार्यों की फीडबैक। कोरोना संक्रमण के बाद क्वारंटीन अवधि पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख आज दोपहर 2:30 बजे शिमला पहुंचेंगे। उनके लौटने के बाद सरकारी व्यवस्था पटरी पर लौटेगी तथा वे वापसी पर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश की 2 प्रमुख सीमेंट प्लांटों में तालाबंदी सहित अन्य सरकारी कार्यों का भी फीडबैक लेंगे। इसके अलावा कोरोना संक्रमण की स्थिति तथा क्रिसमस के बाद नए साल में प्रदेश में आने वाले सैलानियों को उचित व्यवस्था उपलब्ध करवाने को उचित निर्देश भी देंगे। इसी तरह प्रदेश में बर्फबारी की संभावना को देखते हुए उससे निपटने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री 28 दिसंबर को OPS के मुद्दे पर कर्मचारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। इसके बाद प्रदेश सरकार नए साल में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा भी देगी। पेपर लीक मामला, विजिलेंस की स्टेटस रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्यवाही पर फैसला लेगा HPSSC। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर पेपर लीक मामले के बाद हरकत में आ गया है। चयन आयोग द्वारा बीते दिन ही JYT की 25 दिसंबर को होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। हालांकि चयन बोर्ड की आगामी 6 परीक्षाओं को तय समय पर किया जाएगा। पेपर लीक मामले में कर्मचारी चयन आयोग विजिलेंस की स्टेटस रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्यवाही अमल में लाएगा। वहीं इस मामले में संलिप्त महिला कर्मचारी के खिलाफ इससे पहले चयन आयोग में किसी भी तरह की शिकायतें न आने की बात कही गई है। चयन आयोग के चेयरमैन संजय ठाकुर ने बताया कि JYT की परीक्षा के लिए 1,03,000
344 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड भेजे गए थे। प्रदेश में सभी ब्लॉकों में परीक्षा आयोजित की जानी थी, लेकिन पेपर लीक मामले के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। प्रदेश भर के 400 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जानी थी। उन्होंने बताया कि आगामी कुछ दिनों में चयन आयोग द्वारा 6 विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित होनी है, जिन्हें निर्धारित तय समय सीमा में आयोजित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर विजिलेंस की अब स्टेटस रिपोर्ट आएगी और उसके बाद ही JYT का ये अगला जो एग्जाम होगा इसकी डेट निर्धारित की जाएगी। समर वेकेशन स्कूलों में छुट्टियों को लेकर स्थिति स्पष्ट। शिक्षा विभाग ने समर वेकेशन स्कूलों में छुट्टियों को लेकर बनी असमंजस की स्थिति को स्पष्ट किया है। इसके तहत पूर्व की तरह इस बार भी इन स्कूलों में मानसून ब्रेक 21 जून से 28 जुलाई तक होगा। रिजल्ट के बाद 1 से 4 अप्रैल तक स्कूलों में छुट्टियां होगी। फेस्टिवल ब्रेक 4 दिन रहेगी, जो दिवाली से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद रहेगी। विंटर ब्रेक जनवरी में लोहड़ी से 2 दिन पहले की जाएगी, जो कि लोहड़ी के 3 दिन बाद तक रहेगी। यानी ये छुट्टियां 11 से 16 जनवरी तक होगी। विभाग ने इस दौरान विंटर ब्रेक में बदलाव किया है। राजीव शुक्ला से मिले CM सुखविंदर सिंह सुख को मंत्रिमंडल विस्तार पर हुई चर्चा। कोविड संक्रमण के बाद स्वस्थ होकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख को आज शिमला पहुंचेंगे। इससे पहले शनिवार देर शाम को नई दिल्ली में प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। सुख को शिमला पहुंचने के बाद यहां अधिकारियों के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू करेंगे। सुख ने सोमवार को ही राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया है। कांगड़ा बैंक में प्रमोशन और ज्वाइनिंग पर रोक, प्रबंध निदेशक ने जारी किया आदेश। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी समिति बैंक के शीर्ष प्रबंधन ने प्रमोशन और ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी है। ये आदेश पत्र बैंक के प्रबंध निदेशक की ओर से जारी हुआ है। प्रबंध निदेशक ने आदेश जारी किए कि रेफरेंस नंबर 32 से 43 तक संबंधित लोगों की नई पोस्ट पर फिलहाल ज्वाइनिंग स्वीकार ना की जाए। करीब 790 लोगों की प्रमोशन और ज्वाइनिंग होनी थी। आदेश को लेकर प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया। खबर बिलासपुर से, सीमेंट पर टकराव जारी, अदानी ने दूसरे उद्योगों में भेजे 143 कर्मचारी। एक तरफ राज्य सरकार और प्रदेश के आला अधिकारी ACC अंबुजा सीमेंट उद्योग को बहाल करवाने के लिए दिन रात बैठके कर रहे हैं, दूसरी तरफ अदानी समूह ने शनिवार को 143 कर्मचारियों को स्थानांतरित कर 2 बसों में इन्हें दूसरे उद्योगों के लिए रवाना कर दिया है। अंबुजा से 85 और ACC इकाई से 58 कर्मचारियों को स्थानांतरित किया गया है। अदानी के इस रवैये से साफ है कि वे अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। अगर ट्रक ऑपरेटर किराया कम करने के लिए नहीं माने तो दोनों उद्योगों का फिर से शुरू होना मुश्किल है। कंपनी के प्रवक्ता विकास ने कहा कि मुख्य रूप से कच्चे माल और तैयार उत्पादों की उच्च परिवहन लागत और सीमेंट क्लिंकर की बढ़ती परिचालन लागत के कारण अदानी सीमेंट को बाध्यकारी परिस्थितियों में अपने कामकाज को स्थगित करना पड़ा है। संदेह के घेरे में पिछले 3 वर्षों में हुई भर्तियां, रिकॉर्ड खंगाल रही है विजिलेंस। पैसे लेकर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JYT का पेपर बेचने के मामले का भंडाफोड़ होने के बाद अब हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से पिछले 3 सालों में हुई भर्तियां भी संदेह के घेरे में आ गई है। पैसे लेकर पेपर लीक करने वाली मुख्य आरोपी उमाजाद आयोग में पिछले 3 सालों से परीक्षा की गोपनीय शाखा में तैनात थी। गोपनीय शाखा से ही सभी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होती और अंतिम रूप दिया जाता है। 3 सालों में आयोग के माध्यम से सैकड़ों पदों पर भर्तियां हुई है। हालांकि कोविड काल में लिखित परीक्षाओं का शेड्यूल कुछ समय के लिए जरूर संशोधित हुआ था, लेकिन पिछले 3 सालों में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य, बिजली बोर्ड, पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर, कृषि उद्यानिकी और खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग समेत 1 दर्जन से अधिक सरकारी विभागों में सैकड़ों पदों पर भर्तियां हुई है। पूर्व में हुई भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के लीक होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए विजिलेंस अब हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। विजिलेंस पूर्व में हुई भर्ती परीक्षाओं और इन परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड भी खंगालेगी। 10वीं 12वीं स्नातक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों और 6वीं परीक्षाओं में प्राप्त अंकों की समीक्षा होगी। खबर हाईकोर्ट से, जैविक संसाधनों को बिना मंजूरी इस्तेमाल करने पर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के जैविक संसाधनों को बिना मंजूरी इस्तेमाल करने पर कड़ा रोक अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि संबंधित कंपनियों को जैविक विविधता अधिनियम के अनुरूप नोटिस जारी किए जाए। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश बरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को निर्धारित की है। क्रिसमस और नववर्ष को लेकर शिमला प्रशासन ने जारी की हिदायतें।
क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर शिमला शहर व साथ लगते क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन शिमला ने कुछ हिदायतें जारी की है। प्रशासन ने कुसुमटी, पंथा घाटी, महली, डल्ली, मसोबरा, नालदेरा और कुफरी के स्थानीय निवासियों से आग्रह किया कि क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर सोलन व चंडीगढ़ की तरफ जाने और शिमला की ओर आने के लिए सोगी, महली व डल्ली बाईपास का प्रयोग करें, ताकि इस दौरान उन्हें किसी भी प्रकार के असुविधा का सामना न करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया चर्च रखने का आरोपी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद मंडी के गुड्डू राम को चर्च रखने का दोषी ठहराया है। खंडपीठ ने आरोपी को 1 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। इससे पहले 7 न्यायाधीश मंडी ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी भाजपा सरकार की डी नोटिफिकेशन मुहिम का विरोध करेगी भाजपा। भाजपा विधायक दल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्यपाल के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपेगा। इसमें वर्तमान कांग्रेस सरकार की डी नोटिफिकेशन मुहिम की विस्तृत जानकारी होगी और इसका विरोध किया जाएगा। ये ज्ञापन दोपहर बाद 1 बजे सौंपा जाएगा। ये जानकारी भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने दी है। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार के मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है, सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। सोलन और सिरमौर की 2 नॉन बोबन कंपनियों पर 3,17,00,000 रुपए का जुर्माना। राज्य कार्य एवं अबकारी विभाग के दक्षिण परिवर्तन क्षेत्र परवाणु ने सिरमौर और सोलन की 2 बड़ी नॉन बोबन कैरी बैग बनाने वाली कंपनियों पर GST अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। विभाग ने इन कंपनियों पर 3,17,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्र सरकार ने नॉन बोबन कैरी बैग्स बनाने वाली कंपनियों के लिए 18% GST दर निर्धारित की है। इसके विपरीत प्रदेश में नॉन बोबन कैरी बैग बनाने वाली कंपनियों ने केंद्र व प्रदेश सरकार को 5% GST दिया है। भाजपा विधायक दल की बैठक आज, नेता प्रतिपक्ष पर होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश में भाजपा विधायक दल रविवार को नेता प्रतिपक्ष पर फैसला लेगा। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार जैसे नेताओं के नामों पर पहेलियां बुझाई जा रही है कि इनमें से कोई हो सकता है। भाजपा विधायक दल की बैठक 12 बजे बेली पार्क शिमला में बुलाई गई है। भाजपा विधायक दल की बैठक के लिए सभी पार्टी विधायकों को शिमला बुलाया गया है। शनिवार को ही सभी भाजपा विधायक शिमला पहुंचने शुरू हो गए थे। सरकार ने डॉक्टर राहुल राव को सौंपा IGMC के चिकित्सक अधीक्षक पद का दायित्व। IGMC में काफी दिनों से खाली चल रहे चिकित्सक अधीक्षक के पद पर सरकार ने अब तैनाती दे दी है। चिकित्सक अधीक्षक के पद का अतिरिक्त कार्यभार अब डॉक्टर राहुल राव को दिया गया है। इससे पहले डॉक्टर जनकराज IGMC के चिकित्सक अधीक्षक थे, लेकिन उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ने के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में उसी समय से पद खाली चल रहा था और IGMC की प्रिंसिपल डॉक्टर सीता ठाकुर स्वयं चिकित्सक का पद संभाल रही थी। डोबी में पैराग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त, पर्यटक की मौत, पायलट घायल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की ऊंची घाटी की डोबी साइड में पैराग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त होने से महाराष्ट्र के एक पर्यटक की मौत हो गई है। फ्लाई टेक ऑफ पॉइंट से शनिवार को 30 साल के इस युवक ने पैराग्लाइडर पायलट के साथ उड़ान भरी थी। हादसे में पायलट भी घायल हो गया। पुलिस ने पायलट के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे, सुखु जीजा मंदानी, सोरे अंधी सोंदा नहीं। जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोटला भेड़ा और रक्कड़ में 2 SDM कार्यालय बंद करने के विरोध में सुखु जीजा मंदानी, सोरे अंधी सोंदा नहीं के नारे लगाए। जसवा प्रागपुर भाजपा ने शनिवार को जसवा और रक्कड़ में जन आक्रोश रैली निकाली। इसकी अगुवाई पूर्व उद्योग मंत्री और वर्तमान भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर ने की। रैली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और संबंधित तहसीलदारों के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर ने कहा कि जसवा प्रागपुर के इतिहास में कांग्रेस का ये कार्यकाल काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की ओर से लोगों की मांग को मद्देनजर रखते हुए जसवा प्रागपुर में 2 SDM कार्यालय स्थापित कर खोले गए थे। ये कार्यालय यहाँ की जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले गए थे, लेकिन नई सरकार विकास कार्य करवाने की बजाय पहले दिन से जनविरोधी निर्णय लेकर जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्णयों के विरुद्ध सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी जाएगी।
वेदर अपडेट, हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दो दिन बर्फबारी के आसार, तापमान में गिरावट जारी है। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित चंबा, मंडी, कुल्लू और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रविवार और सोमवार को बर्फबारी के आसार है। मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 28 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 29 दिसंबर से पूरे प्रदेश में फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम में ठंडक बनी रही, हल्के बादल छाए रहने के साथ ही प्रदेश में शनिवार को धूप भी खिली। अधिकतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज हुई है। मैदानी जिलों में सुबह और शाम के समय पड़ रही धुंध से ठंड बढ़ गई है। राजभवन से 2 मोबाइल हेल्थ वैन रवाना, राज्यपाल ने दिखाई हरी झंडी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने शनिवार को राजभवन से 2 मोबाइल हेल्थ वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यपाल राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी है। ये वैन इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से राज्य रेडक्रॉस को प्रदेश के चंबा और सिरमौर जिलों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। तो ये थी हिमाचल की आज की सबसे बड़ी खबरें। वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, और आप कहाँ से और कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।